हेलो, ये सलाम एक बार बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। मैं करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी की वीडियो है, के 12 की। तो आई वीडियो देख रहा हूँ, उनके कंटेस्टेंट्स देख रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से शो कास्ट हो रहा है, उसके कंटेस्टेंट देखना चाहूंगा कौन कौन है और उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबके फेवरेट और कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 का कल आगाज हो गया, जिसको देखने के बाद शो हिस्सा लेने जा रहे बहुत से सेलिब्रिटीज के नाम की पुष्टि हुई, तो कुछ नए चेहरे भी सामने आए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट से सबके बारे में अच्छे से वाकिफ होने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने अपनी स्टोरी गर्ल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नाम है रुबीना दिलीप का। 32 वर्षीय रुबीना को 2018 में बिग बॉस 14 जीतने के बाद कौन नहीं जानता। रुबीना एक पहाड़ी लड़की है जिसने 17 साल की उम्र से ही मिस शिमला जैसे काफी लोकल ब्यूटी पेजेंट्स अपने नाम किए। हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है और अपने स्कूल में वो नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन थी। वो आगे जाकर IAS बनना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त रुबीना चंडीगढ़ में सीरियल छोटी बहू के ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई और उन्होंने एक सपने को पूरा करने के लिए अपना IAS बनने का सपना पीछे छोड़ दिया। 2008 में छोटी बहू से रुबीना का एक्टिंग डेब्यू हुआ, जिसके बाद वो नॉन स्टॉप बहुत से सीरियल्स में नजर आई और इस साल वो अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है मूवी अर्थ से, जिसमें उनके अपोजिट है राजपाल यादव। दूसरे नंबर पर है सोशल मीडिया स्टार और एक्टर जन्नत जुबैर रहमानी। 20 साल की जन्नत इस सीजन की उम्र में सबसे छोटी खिलाड़ी तो है ही, लेकिन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली कंटेस्टेंट भी है। जन्नत के इंस्टाग्राम पर 43 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जन्नत के करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में सीरियल दिल मिल गए के एक कैमियो रोल से हुई थी, लेकिन उनको असली पहचान मिली 2010 में आए सीरियल काशी से, जिसके बाद तो जैसे उनके करियर में लगातार काम आते चले गए और वो टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, म्यूजिक एल्बम्स के जरिए कहीं ना कहीं हमेशा ऑडियंस के बीच रही। इस सीजन का अगला कंटेस्टेंट है प्रतीक। 29 वर्षीय प्रतीक का करियर एक रियलिटी शो से शुरू हुआ था और आज भी वो यही कर रहे हैं। 2018 में प्रतीक हिस्सा रहे MTV लव स्कूल के, जिसके बाद उसी साल रूडीज का भी ऑडिशन दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। 2018 में ही प्रतीक ने रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में भी हिस्सा लिया और दूसरे जगह बनाई, लेकिन प्रतीक को असली पॉपुलैरिटी मिली 2021 में आए रियलिटी शो बिग बॉस से, जिसके बाद वो काफी म्यूजिक एल्बम्स पे नजर आए और अभी वो एक और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस सीजन का चौथा नाम है निशान भट्ट। 37 साल के निशान भट्ट एक डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर है। निशान के करियर की शुरुआत हुई 2007 में रियलिटी शो राजा से, जिसके बाद वो इसी के बहुत से सीजन्स का हिस्सा भी रहे और अंकिता लोखंडे और जिया मनिक जैसे एक्टर्स के साथ काम किया। इसके अलावा निशान ये वही है ना, गोपी सुपर डांसर, नच बलिए और डांस दीवाने जैसे शोज के लिए कोरियोग्राफर रह चुके हैं और 2021 में आए बिग बॉस से निशान ने काफी सुर्खियां बटोरी। अगला नाम है क्यूट और चुलबुली शिवांगी जोशी का। 24 साल की शिवांगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में जाने जाने लगी, लेकिन आपको बता दे कि शिवांगी का डेब्यू हुआ था 15 साल की उम्र में सीरियल परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी के एक एपिसोड से, जिसके बाद वो कुछ सीरियल्स में नजर आई, लेकिन 2016 में आए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनको एक अलग ही पहचान मिल गई और ये सीरियल 6 साल चला, जिसके बाद 2021 में शिवांगी के सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रोल को भी सबने बहुत पसंद किया और अभी उनके फैंस खतरों के खिलाड़ी में देखने के लिए सुपर एक्साइटेड है। इस सीजन के नेक्स्ट सेलिब्रिटी का नाम है मुनावर फारूकी। 30 साल के मुनावर पेशे से एक स्टैंड अप कॉमेडियन और रैपर है। मुनावर इंडियन मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं और गुजरात में रहते थे, लेकिन 2002 में कॉम्युनल राइट्स के चलते उनका गुजरात का घर उजड़ गया और उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद मुनावर का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुनावर ने शुरुआत में छोटा मोटा दुकानों में काम करके घर में पैसों की मदद की
और बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर कुछ साल एक अच्छी कंपनी में काम भी किया, लेकिन कुछ साल पहले ही उन्होंने सब कुछ छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया और उसे फुल टाइम अपना काम बना लिया। आपको बता दूं कि मुनावर इसी साल आए रियलिटी शो लॉकअप के विनर भी हैं। सातवें खिलाड़ी का नाम है एक्टर स्टीति जाटव। 36 साल की स्टीति भी इस सीजन की जर्नी का हिस्सा बनने जा रही है। स्टीति का जन्म बिहार में हुआ था, जिसके बाद उनका परिवार 10 साल के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गया और बाद में वो सब काठमांडू नेपाल में रहने लगे। कुछ साल नेपाल में रहने के बाद स्टीति का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। स्टीति का डेब्यू सीरियल था 2007 में आया सीरियल धूम मचाओ धूम, जिसके बाद स्टीति लगातार टीवी सोप्स में काम करती रही। लेकिन उनको असली पहचान मिली 2014 में आए सीरियल कुमकुम भाग्य से, जो 8 साल चला। स्टीति ने अपने करियर में बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इस साल के अगले खिलाड़ी का नाम है सोशल मीडिया स्टार फैजल शेख का। 25 वर्षीय फैजल शेख की जानी मानी हस्ती है, जिन्होंने टिकटॉक से अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू किया था। सोशल मीडिया में आने से पहले फैजल बाइक स्टंट परफॉर्म किया करते थे और फिलहाल फैजल के इंस्टाग्राम पर 28 मिलियन फॉलोवर्स हैं। आपको बता दें कि ऐसे रूमर्स हैं कि फैजल और जन्नत जुबैर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो शो में इन दोनों के फैंस को जल्द ही पता चलने वाला है। इस सीजन का नौवा खिलाड़ी का नाम है चेतना पांडे। 32 साल की चेतना का साउथ इंडियन मूवी के एक छोटे से रोल से शुरू हुआ था, जिसके बाद वो और भी कुछ छोटे मोटे रोल में नजर आई, लेकिन कभी भी इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाई। पर 2018 में आए रियलिटी शो एस ओ स्पेस से कुछ लोग उनको जानने लगे, जिसके बाद वो कुछ म्यूजिक एल्बम्स में भी नजर आए। 10वें नंबर पर है डांसर, कोरियोग्राफर और जज तुषार कालिया। 36 साल के तुषार ने अपना करियर 2013 में रियलिटी शो झलक दिखलाजा से शुरू किया था, जिसके बाद वो इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज डायरेक्टर डांस दीवाने के 3 सीजन के जज रह चुके हैं। तुषार अपने करियर में बहुत सी सुपरहिट मूवीज के कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, जैसे कि ABCD, ऐ दिल है मुश्किल, हाफ गर्लफ्रेंड, धड़क और बहुत सारी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तुषार ने अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल त्रिवेणी बर्मान से एंगेजमेंट की है और शो खत्म होने के बाद वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे। इस सीजन का अगला खिलाड़ी है अनेरी वजानी। 28 साल की अनेरी गुजराती परिवार से बिलोंग करती है। अनेरी का एक्टिंग डेब्यू हुआ था 2012 में सीरियल काली पुनर्अवतार में पाखी के रोल से, जिसके बाद उनका सीरियल निशा और उनके कजन्स में उनका निशा का रोल भी सबने बहुत पसंद किया और फिलहाल वो 2021 से पॉपुलर शो अनुपमा का हिस्सा है। इसके अलावा वो कुछ वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है। 12वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है राजीव अदाड़िया का। 33 साल के राजीव पहले एक मॉडल थे, जो बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन काफी साल से वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। राजीव ने 2021 में बिग बॉस में हिस्सा लिया था और उनकी फन पर्सनालिटी को सबने बहुत पसंद किया था। आपको बता दें कि राजीव शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के राखी ब्रदर भी हैं। इस साल का आखिरी नाम है मॉडल एरिका पैकर्ट का। 33 साल की एरिका मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आपको बता दें कि एरिका नेशनल अवार्ड विनिंग बॉडी बिल्डर और बॉलीवुड स्टार गैविन पैकर्ट की बेटी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो एरिका शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को लगभग 10 साल डेट कर चुकी हैं, लेकिन 2 साल लिव इन में रहने के बाद 2014 में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। ये साल के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के 13 कन्फर्म सेलिब्रिटीज। इन सब में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और आपके इस साल का विनर कौन हो सकता है? मुझे अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर जरूर इनका चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लास्ट भी देखिएगा। काफी अच्छी स्टोरी बताई है उन्होंने और मजा आया सुन के, मतलब बोर नहीं होता और हर चीज आ रही होती है आगे 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 आगे। तो लाइक मैंने तो अपने फेवरेट बता दिए, आपका कौन सा फेवरेट है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। तो चलें मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।